के नारायणपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में आठ नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान शहीद और दो जवानों के घायल होने की खबर है। सर्चिंग के बाद जवानों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की है। मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी, यानी नक्सलियों की यहां से टोली जा रही थी, यहां से एक उनका पूरा मूवमेंट था। और इसी बीच पहले से सुरक्षा कर्मियों को वहां पे पता चला, सीआरपीएफ के जवानों को, और उसके बाद इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। आठ नक्सली इसमें ढेर किए जा चुके हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ की ये तस्वीर हम आपको साथ साथ और अभी तक का जो आंकड़ा है वो भी बता रहे हैं कि कब कब ये मुठभेड़ की स्थिति नक्सलियों के साथ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नारायण देव साय ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायल जवानों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि, घायल जवानों से मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तस्वीर जहां पे जवान मुठभेड़ के दौरान घायल भी हो गए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पे प्रमुख चेहरे पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, घायल जवानों को हर संभव मदद का भी उन्होंने भरोसा दिया है। जो जवान इस मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं और जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी प्रमुख चेहरे यहां पर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आठ नक्सलियों के ढेर किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मजबूती से नक्सलवाद से लड़ रही है। देखिए, जब से हमारी सरकार यहां पर आई है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आज ही आठ नक्सली मारे गए हैं और पूरी लड़ाई में हम देखेंगे तो बड़ी अच्छी सफलता हम लोग को मिली है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के सीएम को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा आने वाले वक्त में भी इस चुनौती से निपटा जाएगा और उन जवानों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि नक्सलियों से बातचीत की जाए, वो भी हिंदुस्तानी है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा गया कि ऐसे बयान बिल्कुल देश को तोड़ने के लिए, ऐसी बातें देश के खिलाफ है। नक्सलियों से बात करनी चाहिए और चूंकि वो कानून अपने हाथ में लेते हैं लेकिन भारतीय हैं, एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के तो हमारे बहुत सारे नेता इसी उसके अंदर मारे गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, आतंकी से बात करो, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। और अब ये राशिद अलवी साहब आए, नक्सलियों से बात करिए, वो भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी हैं तो यहाँ नक्सली आइडियोलॉजी चला के देश को तोड़ने का काम करेंगे और उनसे बात किया जाए